हरे कृष्णा। अभी रिसेंटली मैं एक IIT पास आउट स्टूडेंट से मिला, तो उससे हम सुसाइड के सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो उसने बताया कि IIT में टाइम टू टाइम जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सुसाइड करते रहते हैं। सो मैंने पूछा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, उसका रीज़न क्या है कि भाई IIT जैसे प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के बाद भी बच्चे सुसाइड करते हैं एंड टाइम टू टाइम हम लोग सुनते रहते हैं। सो उसने मुझे बताया कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जो स्टूडेंट फेस करते हैं वो है लोनलीनेस, अकेलापन। अकेलापन या दूसरा रीज़न उसने बताया पीयर प्रेशर। अकेलापन क्योंकि लोग अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के आते हैं, फैमिलीज़ को छोड़ने के बाद वो जिस नए एनवायरनमेंट में आते हैं वहाँ पर वो प्रॉपरली सोशलाइज नहीं हो पाते और कहीं ना कहीं उनको फैमिली सिकनेस जो होती है वो डिस्टर्ब करती है। सो एंड सेकेंड रीज़न इज़ दैट विद इन लोनलीनेस लोग जनरली आपस में इतने ईजीली आज के समय में इंट्रैक्ट नहीं करते, वो अपने ही एक शेल में रहना चाहते हैं एंड वो रिजर्व रहते हैं। दे डू नॉट इंट्रैक्ट मच पीपल विद आउटसाइड वर्ल्ड एंड जिससे कि उनकी लाइफ में टाइम टू टाइम लॉनलीनेस आ जाती है। सो एक रीज़न ये बताया उसने और दूसरा रीज़न उसने जो मुझे बताया वो था कि पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर मीन्स कि यस ही वॉज टेलिंग दैट कि यू नो सब लोग कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में एक दूसरे को प्रेशराइज करते हैं अचीवमेंट्स के लिए, ये पाना है वो पाना है। ऐसी अभी एक गर्ल थी, आई थिंक शी वॉज इन 10th, तो उसके पेरेंट्स जो थे वो उसको प्रेशराइज कर रहे थे कि यस आपको 95% मार्क्स लेके आने हैं, 100% मार्क्स लेके आने हैं। शी वॉज जस्ट इन 10th क्लास, शी गॉट ए हैवी प्रेशर ऑफ इट एंड जिसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया। एंड इट्स अनफॉर्चुनेट एंड टाइम टू टाइम हम लोग ऐसा सुनते रहते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि सुसाइड तो सोसाइटी में बहुत लोग कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको कैसे टैकल किया जाए। इसका आंसर हमारे जो वैदिक लिटरेचर्स हैं वो बहुत क्लियरली देते हैं। सबसे पहला जो सुसाइड है, सुसाइड बेसिकली जो प्रकृति के नियम हैं, प्रकृति के नियमों के अगेंस्ट है, क्योंकि प्रकृति ने हमें एक पर्टिकुलर बॉडी दी है। ये जो बॉडी है इस बॉडी का एक पर्टिकुलर यू नो कार्य है एंड इस बॉडी को एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए हमें दिया गया है। अब हम क्या करते हैं, हम प्रकृति के नियमों के अगेंस्ट जाने का प्रयास करते हैं और उस बॉडी की ड्यूरेशन को रिड्यूस करते हैं। तो ये जो सुसाइड है, ये सुसाइड हमारे वैदिक एंगल से ये शास्त्रों के अगेंस्ट है, ये जस्टिफाइबल नहीं है। एंड इवन अदरवाइज जो हमारा लॉ है एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज ऑफ यू नो वर्ल्ड जो गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, उन लॉज के अकॉर्डिंग भी सुसाइड जो है वो एक ऑफेंस है, इट्स ए क्रिमिनल ऑफेंस। तो सुसाइड करना अपराध है, बट फिर भी यंगस्टर्स, मिडिल एज पीपल वो सुसाइड कर लेते हैं। सो अगर हम थोड़ा सा भी गॉड सेंटर्ड होंगे, गॉड कॉन्शियस होंगे अपनी लाइफ में, तो डेफिनेटली हम अपनी लाइफ में कभी भी सुसाइड करने के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि ये गॉड ने जो हमें रूल्स दिए हैं, नियम दिए हैं, उन नियमों के सख्त खिलाफ है। तो हम सभी को कोशिश करनी है कि भगवान ने हमें इस लाइफ में जो रूल्स बताए हैं हम उन रूल्स का पालन करें और सुसाइड का विचार कभी नहीं करें। और कभी भी हमारी लाइफ में अगर विचार आता है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सोशलाइज होना चाहिए, उन लोगों के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए जो हमें मोटिवेट कर सकें, जो हमें एनकरेज कर सकें स्पिरिचुअलिटी की ओर, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी जो है वो बेस्ट मेथड है अगर आप अपनी लाइफ में सुसाइड को ओवरकम करना चाहते हैं। आई मीन स्पिरिचुअलिटी जो है उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बट ये एक छोटा सा बेनिफिट है जो किसी की लाइफ को भी बचा सकता है। हरे कृष्णा।